अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपने जो सपना देखा है उसे तो पूरा होना ही था, लेकिन हमारा तो वो सपना पूरा हुआ है जिसे हमने देखने की कभी हिम्मत भी नहीं की थी। और जब हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम नौकरी कर पाएंगे, लेकिन ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। इतनी सारी इंग्लिश सीखने के बाद भी तुम्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि अपने पति को थैंक यू कैसे बोलते? क्या अर्णव जी, आप भी, ये भी कोई जगह है? अरे खुल्लम खुल्ला प्यार करने का मजा ही अलग है पल्लवी, फटाफट करो नहीं तो टाइम निकल जाएगा, कोई ना कोई आ जाए। चलो ओके, अगर तुम ये वाला थैंक यू नहीं बोल पा रही हो तो कम से कम आई लव यू ही बोल दो यार। हाँ ओके, तुम्हें इसमें शर्म आ रही है तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारी दिल की बात तुम्हारी जुबान पर आ सके। क्या? हमारी जोड़ी और हमारी जीत के लिए क्यों ना हम दोनों आज रात डिनर पे चले, जीत का जश्न भी हो जाएगा और तुम्हारे ये दिल का हाल भी पता चल जाएगा, फिर शायद उसमें हिम्मत हो जाए अपनी बात कहने की। गोपाल का सच बता दिया ना हमने तुम्हें, तो अब क्या उस बात का बदला लोगी हमसे कृष्णा? बस तुम्हें जो समझना है तुम समझो, लेकिन ये घर अब हमारा है और हम यहीं रहेंगे, और अगर तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है ना तो तुम गोपाला के साथ जा सकते हो। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 9 बजे। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें किसी और को भी थैंक यू बोलना है। हमारी जीत का श्रेय उन्हें भी जाता है। और किसे? शिवा सर, अगर वो हमें नहीं सिखाते तो हम कहाँ इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाते। हाँ ये बात भी सही है, तो क्यों ना तुम खुद शिवा को कॉल लगाओ और उसे बताओ कि तुमने क्या कमाल कर दिखाया। हेलो हेलो शिवा सर, वो क्या, लेकिन कैसे, क्या हुआ पल्लवी? शिवा सर का फोन किसी और के पास है, वो कह रहा है कि फोन हमने चुराया है, दोबारा इस नंबर पे कॉल करने की कोशिश मत करना वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो क्या हुआ कार्तिक, क्या हुआ शिवा को, फोन चोरी हो गया है। पल्लवी यार, थैंक गॉड शिवा का सिर्फ फोन चोरी हुआ है, मुझे लगा कुछ पता नहीं क्या हो गया शिवा के साथ। तो हम बस ऐसे ही, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस देख रहा था कि जब तुम खुश होती हो तब भी कितनी सुंदर लगती हो, खूबसूरत लगती हो, और जब परेशान होती हो तब भी कितनी क्यूट लगती हो। चीज क्या हो तुम यार? वैसे जो तुम्हारे तुम्हारे माथे की शिकन चली जाए तो उफ। वैसे एक बात कहें आपसे, भगवान जी के पास मंदिर में माथा टेकने चले? हाँ? पल्लवी तुम ना, हाँ
शिवा का फोन आपके हाथ में कैसे सासुमा? और आप झूठ काहे बोल रही थी, वो भी आवाज बदलकर। सासुमा कौन सी नई खिचड़ी पका रही हैं आप? कौन सी खिचड़ी, कैसी खिचड़ी, हमें समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे दामाद जी। नहीं, कुछ तो है। अगर आप चाहते हैं कि श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी को आपका सच पता नहीं चले तो आपको हमारा साथ देना होगा। वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। आज हमने जो कुछ भी किया है, अगर हम आज ये नहीं कर पाते तो अर्णव जी की हार की वजह बन जाते और ऐसा होना हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। थैंक यू। पल्लवी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर से? हम वचन देते हैं आपको, बताइए क्या करना है। किसी को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे सर पे जो है बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है और वो मुसीबत का नाम शिवा है। शिवा को हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए हटाना होगा। शिवा, आप शिवा को जान से मरवाना चाहती हैं सासुमा? लेकिन क्यों? ये सब आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, केवल इतना बताइए कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं। श्री श्री कर सकते हैं, करेंगे। हमारी शादी के वक्त हम दोनों ने फेरे तो लिए थे, लेकिन मैं उन्हें फील नहीं कर पाया था। मैंने तुम्हें वचन तो दिए थे, लेकिन वो दिल से नहीं थे। इसलिए मैं वही सारे वादे फिर से तुम्हें देना चाहता हूँ, पूरे दिल से। वो सारी फीलिंग्स फील करना चाहता हूँ जो दो प्यार करने वालों के मिलने पे आती है। अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।